प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। मां के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी। सुबह करीब 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। 28 दिसंबर को तबियत बिगड़ने पर हीराबा को अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मां के निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी दिल्ली से अहमदाबाद के अस्पताल पहुंचे और मां के अंतिम दर्शन किए। पीएम मोदी ने अपनी मां के निधन पर ट्वीट में लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां के चरणों में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी की, पूज्य माता जी के निधन से अत्यंत मन व्यथित है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों, भाजपा नेताओं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती ने हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने छोटे भाई पंकज मोदी के साथ मां हीराबा की अर्थी को कंधा दिया और दोनों भाइयों ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। अपनी मां के अंतिम संस्कार के बावजूद पीएम मोदी ने पहले सतह कार्यक्रमों में शामिल हुए और कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली उसका उद्घाटन किया। मां के निधन के बावजूद कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस के लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी के शामिल होने पर राजनीति में उनकी धुर विरोधी ममता बनर्जी भी भावुक हो गई और हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को सांत्वना दी। पीएम मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता आना था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए और कोलकाता न पहुंच पाने के लिए वहां की जनता से माफी मांगी। मुझे आप सब के बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूँ। बाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कार्यक्रम को छोटा रखने की अपील की, क्योंकि पीएम ने अपनी मां के निधन के बावजूद तय कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया था। राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन पीएम मोदी की मां के निधन के बाद राजनीति पर संवेदनाएं भारी पड़ती दिखी। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और दुख की इस घड़ी में पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हुए। पीएम मोदी की मां के निधन पर तमाम नेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है, मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी हीराबेन के निधन पर गहरा दुख जताया। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे मां शीघ्र स्वस्थ होकर वापस आए, लेकिन दुखद खबर आई। हम उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दुखद खबर सुनकर बेहद भावुक दिखे। देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के निधन पर और प्रधानमंत्री जी के परिवार को अपना परिवार मान करके इस दुख का हिस्सेदार बन रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हीराबेन के दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। का जाना निश्चित रूप से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की उम्र 100 साल थी। बुधवार को तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।